बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। तेरा जीवन है बेकार, धर्म बिन जीवन है बेकार। ओ धर्म बिन जीवन है बेकार। धर्म बिन जीवन है सत उचार। मन इंद्रियों को जीत सके नहीं ताका जन्म असार। धन से प्यार त्यागशील जो करत उपाधि जग में ताहे धिकार। धर्म बिन जीवन है बेकार। धर्म बिन जीवन है बेकार। पवित्रता बिन रहत अशुद्ध जो तृष्णा मन में धार। कहते हूँ सो शांति न पावे भटकत बारंबार। धर्म बिन जीवन है बेकार। धर्म बिन जीवन है बेकार। राग टोरे भजन तेरह। धर्म बिन जीवन है बेकार। धर्म विमुख नर नर के जावत कहते वेद पुकार। तो शास्त्रों में विधि निषेध के वाक्य वर्णित किए गए हैं, ये करना ये नहीं करना। उसी के अनुसार प्रत्येक जीव को आचरण करना चाहिए। तो जिन्होंने धर्म को धारण नहीं किया, धर्मानुसार जिनका आचरण नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। इस लोक में दुख और परलोक में नरक आदि की प्राप्ति उसे होती है। जो क्षमा गरीबी नम्रता को त्याग के क्रोध और अहंकार को धारण करता है, ये धर्म विरुद्ध आचरण है। दया दीन पर नहीं करता, दुखियों पर करुणा नहीं करता और उनको दुख देता है,
कटु वचन बोलता है ऐसा मनुष्य नरक में निवास करता है। साचा मीठा नहीं बोलत जो कड़वे असत उचार, जिसकी वाणी मधुर नहीं कठोर वचन बोलता है, कठोर वचनों के द्वारा दूसरे के हृदय को दुख पहुंचाता है। अपने मन इंद्रियों पर जिसने जीत नहीं प्राप्त की उसका जीवन असार है, व्यर्थ है। शुभ पात्र में जो दान नहीं देता, क्योंकि दान देना भी एक धर्म का अंग है, धन को संग्रह करता है, लोभ की वृत्ति धारण करता है, त्यागशीलता को मन में नहीं रखता, त्याग नहीं करता, संग्रह करता है, उसको इस संसार में धिक्कार है। पवित्रता बिन रहत अशुद्ध जो, तन की और मन की पवित्रता चाहिए। मन में बुरे विचार न उठे, शरीर भी पवित्र रहे, शुद्ध रहे, इस प्रकार का आचरण करना चाहिए, तृष्णा का त्याग करना चाहिए। जो इन गुणों को धारण नहीं करता वो शांति को प्राप्त नहीं करता और इस संसार सागर में बार बार भटकता रहता है। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु तेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भाव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।